मुझे लगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मैंने इस्तीफा दे दिया। कोई दबाव नहीं, न दबाव देने का था न दबाव लेने का है। व्यक्तिगत मेरा मन हुआ कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा आपने दिया है और फिर उसको वापस भी ले रहे हैं, ऐसी सूचना है, कितनी सच्चाई है उसमें, क्या कारण है कि इस्तीफा देने का? न तो कोई देने का कारण है न कोई लेने का कारण है। मुझे लगा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मैंने इस्तीफा दे दिया। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस्तीफा वापस लेना चाहिए, क्योंकि सीकर की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, सीकर की जनता ने मुझे समय दिया है, मैं उसका पूरा सदुपयोग करूंगा, वापस ले रहा हूं अपना इस्तीफा। पहले क्यों दिए थे वैसे इस्तीफा? नहीं दे दिए, अपनी मर्जी है यार, ये तो अपनी मेरी खुद की चॉइस है ना, मैं रहूं ना रहूं ये तो मेरी चॉइस है। सीकर की जनता ने मुझे अवसर दिया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वापस लेना चाहिए, वापस ले रहा हूं। तो कोई दबाव लेने का? कोई दबाव नहीं, न दबाव देने का था न दबाव लेने का है। व्यक्तिगत मेरा मन हुआ कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अब मुझे लगा कि नहीं, इस्तीफा वापस लेना चाहिए, मैं वापस ले रहा हूँ। राजेंद्र राठौर ये कह रहे हैं 2 तारीख, देखिए राजेंद्र राठौर काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी सुलझे हुए हैं, काफी वरिष्ठ हैं और काफी उनको संसदीय अनुभव भी है, लेकिन जब तक इस्तीफे स्वीकार नहीं होते, ये तो कॉमन मैन जानता है इस बात को, जब तक कोई मिनिस्टर इस्तीफा देता है, चीफ मिनिस्टर जब तक इस्तीफे स्वीकार नहीं करते तब तक जो है वो इस्तीफे कायम रहते हैं, इनवैलिड रहते हैं। जब इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं तो फिर किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि जो 90 से 95 दिन का जो वेतन भत्ता है वो वापस होना चाहिए। देखिए जब तक आप इस्तीफे स्वीकार नहीं करेंगे, स्पीकर साहब की मर्जी है, ये डिसाइड तो स्पीकर साहब करेंगे। वो राजेंद्र जी राठौड़ जो है वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको अधिकार है पूरी अपनी बात कहने का, लेकिन स्पीकर साहब की मर्जी है। स्पीकर साहब ने जब तक उनको स्वीकार नहीं किया तब तक वो जो इनवैलिड है। तो आपने इस्तीफा वापस ले लिया? बिल्कुल ले लिया। आपने पत्र लिखा है? मैंने लिख दिया अपना कि भाई मैं अपना इस्तीफा वापस लेता हूँ। जब तक उन्होंने वापस ले सकता हूँ। सरकारी नौकरी में भी कोई आदमी इस्तीफा देता है और उसको लगता है कि नहीं मेरा अभी फिजिकली और मेंटली मैं अभी अलर्ट हूँ, मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तो जाके अपने ऑफिसर को कह देता है मेरा इस्तीफा वापस दे, तो वापस दे देता है।